हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीकॉट एंड वाईटी के थंबनेल ट्यूटोरियल के ऊपर। तो एक थंबनेल का ट्यूटोरियल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ विथ मटेरियल। तो आप लोग मटेरियल मेरी डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पिक्सल लैब के अंदर। तो जैसे ही आप पिक्सल लैब ऐप के अंदर जाते हैं, इमेज साइज यहाँ से यूट्यूब थंबनेल रखनी होती है। ये तो मैं तुम्हें हर बार बता देता हूँ यार। तो यहाँ से जैसे ही आप थंबनेल साइज लोगे, उसके बाद सिंपली कुछ इस तरीके का एक कलर लेना, देन सिंपली ये वाली पीएनजी आप तुम मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में पैथ में। थोड़ा सा और डार्क करते हैं बैकग्राउंड का कलर ब्लैक से, ठीक है, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद यहाँ पे एक एनालिटिक की पीएनजी लानी होगी, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ से दी तो मैं जाता हूँ, यहाँ से एक एनालिटिक की पीएनजी ले आता हूँ। तो यहाँ पे इस पीएनजी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देना होगा, जैसे कि मैंने की है। आप लोग भी सेम टू सेम करते चलिए मेरी से स्टेप टू फॉलो। देन सिंपली यहाँ पे जाना, यहाँ पे टेस्ट लिखना, इमोजी लिखना मतलब, और इमोजी लिखने के बाद थोड़ा गैप दे देना जिसमें वो पतंगते बनने रहे, ठीक। उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इमोजी लगा देना, इमोजी तो पीछे कर देना और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना सबसे पहले। अब जैसे ही आप इस चप को एडजस्ट कर ले, तो लास्ट टाइम आता है हमारा एरो। तो सिंपली से जाना, एरो की पीएनजी भी मिल जाएगी हमारे पैथ के अंदर। तो एरो की पीएनजी यहाँ पर ले आना, इस वाले एरो की पीएनजी मिलेगी, इसको प्योर वाइट कर लेना। और वाइट करने के बाद तुम इस तरीके से कुछ लगाना, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। और इस तरीके से लगा लेने के बाद आपका थंबनेल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इसे तुम सिंपली थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे सब लेयर को लॉक कर सकते हो, और उसके बाद तुम सिंपली इसको सेव कर लेना। यदि आप इसकी जैसी वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, बाकी चैनल पर बने रहो।